नमस्ते बच्चों, बहुत दिनों से आप सबसे मिलने की मनोकामना थी, लेकिन पूरे भारत में कोरोना COVID-19 के प्रभाव से लॉकडाउन के जारी होने के कारण हम सभी प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से नहीं मिल सकते और इसी कारण मन में विचार आया कि चलिए इस वीडियो के द्वारा हम सबसे मिलते हैं। 4 महीनों से भारत में लॉकडाउन जारी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीनों से हमारी पाठशालाएं बंद है, लेकिन फिर भी हमारी जो शिक्षा है वो जारी है। ऑनलाइन के द्वारा हमारे सभी अध्यापक आप तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा जारी रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम सबको हमारी पाठशाला की बहुत याद आती है। मुझे भी आती है, आपको भी आती होगी। पाठशाला में हमारी शुरुआत होती है राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा, उद्देशिका, इनसे। लेकिन लॉकडाउन के कारण, पाठशालाएं बंद होने के कारण हम हर रोज इनका पठन करना भूल गए हैं। तो मन में विचार आया, कल्पना आई कि चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। तो आज से हम फिर से शुरुआत करते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं राष्ट्रगीत से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखिए इसी तरीके से हमें हर रोज भारत का जो राष्ट्रगीत है वो राष्ट्रगीत उसका पठन करना है। हम थोड़े विस्तार से देखते हैं, जो नए बच्चे आने वाले हैं, पहली कक्षा के बच्चे, तो उन बच्चों के लिए हमें विस्तार से देखना चाहिए। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे
जय हे, जय हे, जय 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 हे। देखिए, इस प्रकार से हमें कोशिश करनी है कि हम हर रोज राष्ट्रगीत का पठन करें। अभी हम जाते हैं प्रतिज्ञा की तरफ। देखिए प्रतिज्ञा कैसे उसका पठन करना है। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। जय हिंद। देखिए, हम विस्तार से देखते हैं, नए बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं। मुझे अपने देश से प्यार है, अपने देश की समृद्ध तथा विविधताओं से विभूषित परंपराओं पर मुझे गर्व है। मैं हमेशा प्रयत्न करूंगी कि उन परंपराओं का सफल अनुयायी बनने की क्षमता मुझे प्राप्त हो। मैं अपने माता पिता, गुरुजनों और बड़ों का सम्मान करूंगी और हर एक से सौजन्यपूर्ण व्यवहार करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं अपने देश और अपने देशवासियों के प्रति निष्ठा रखूंगी। उनकी भलाई और समृद्धि में ही मेरा सुख निहित है। अभी देखिए, जहाँ पे बच्चे और बच्चियाँ हैं, वहाँ पे जो पुरुष बच्चे हैं उन्होंने करूँगा बोलना है, और जो स्त्री महिला बच्चियाँ हैं उन्होंने करूँगी बोलना है। ठीक है, अभी हम जाते हैं भारत का संविधान उद्देशिका तरफ। उद्देशिका, देखिए उद्देशिका के तरफ हम जाते हैं, हम उद्देशिका का पठन करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। जय हिंद। देखिए, हम विस्तार से देखते हैं जो नए बच्चे हैं उनके लिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय,
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। देखिए कितना आनंद आ रहा है अगर हर रोज हम राष्ट्रगीत, प्रतिज्ञा और उद्देशिका का पठन करेंगे तो अधिक सरलता से हम इसको याद रख पाएंगे और अपने व्यवहार में इसके अर्थ का उपयोग कर पाएंगे। तो आज से ही आपको इसकी शुरुआत करनी है। हम फिर मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।